आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और टर्मिनोलॉजी का मतलब यह है कि किस चीज, अगर मैंने आपसे कहा कि डिबिटर, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा डेबिट हुआ है, तो अब तुम्हें इस भाषा में बात कर लो ना, मतलब डेबिट का मतलब क्या हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अकाउंट में पैसा कितना डेबिट हुआ है, पैसा आता जाता है, मैसेज देखते होंगे, लेकिन क्या आप वॉल्ट यूज करना पकड़ पा रहे हैं? इस भाषा में कोई बात करेगा तो फंस जाएगी, ठीक है। और ये चीज, यही टर्मिनोलॉजी होती है कि आपको इस कीवर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाउ टू मनी डेबिटेड इन योर अकाउंट्स, तो हाउ मच मनी का मतलब क्या होता है, कितना पैसा डेबिट हो रहा है। डेबिट इन द सेंस कि आपके अकाउंट में पैसा कटा है, ठीक। योर अकाउंट इज डेबिटेड 5 रुपीज, ऐसे मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड 5 रुपीज। व्हेन द मैसेज इज गॉन, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड 5 रुपीज, मीन्स पैसा आपके खाते में कहीं से आया है, ठीक है। पैसा आपके खाते में कहीं से आया है, दैट मीन्स क्रेडिटेड। अगर मैं आपके खाते में पैसा भेजूंगा, 10 रुपए मैंने भेजा, तो मेरे को मैसेज आएगा डेबिटेड और आपको मैसेज क्या आएगा, क्रेडिटेड। क्लियर? ये दोनों टर्मिनोलॉजी होती है।